मैं पिछले 15-20 मिनट से इससे पीछे पड़ी हूँ। दूध पी ले, दूध पी ले। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? माहिका, माहिका चल फिनिश कर के मुझे घास दे बाबू। कौन इट? सब पेपर, ये सारे टिश्यू, क्लिप्स, टी शर्ट। नहीं ये सास रही ही। क्या कर रही थी पूरा दोपहर तुम? बोलो। टीवी। टीवी देख रही थी आज? कौन सा मूवी देखा? रेड एंड ब्लू। माहिका ना एक बहुत ही ऐसी आदत है। ओके वो देखा तुमने? चलो ये इसके ना माइक की आदत है, वो कोई भी ऐसे बास्केट, कोई भी या फिर कोई कार्टून, कुछ भी जगह ऐसा खाली देखती है ना, उसमें लाके वो अपना टॉयज भर देगी। पता नहीं क्या है उसका, उसके पास है टॉय स्टोर करने के लिए ना, मैंने दिया है उसको। सिल ये रैक खाली था, ये बास्केट उसमें लाके थोड़ा बहुत ये रख देगी। अगर इसके पास और एक भी था उसमें एक टॉय रख देगी। हो गया माइका, जा शिंकर पका, गो बेबी, वेरी गुड, गो। ये पुराना फैन है, नया फैन लगा दिया कल ही महेंद्रा ने, इसको हम लोग फिक्स करेंगे। वो बोल रहा है कि इसको यहाँ पे ऐसे किचन में लगाएं कि यहाँ पे इस हॉल में ना एक और जगह है, यहाँ पे लगा दे। ये जस्ट ऐसे कि इसको अभी खोल के रख के कोई फ़ायदा नहीं है, करके इसको हम लोग लगा दे रहे हैं ताकि ये यूज़फुल हो जाए। अदरवाइज़ ये फ़ैन में कितना भी हमने चेंज कर लिया, देख ली फ़ैन बहुत स्लो घूमता है। ये आ गया है थोड़े बहुत सामान इस हफ्ते का, एंड ये हूँ मैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गंदी सी सड़ी सी मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी, चेंज करूँगी, फिर मैं आपके साथ आऊँगी बात करने के लिए। तो फिलहाल मैं ऐसे आ गई हूँ, मैं पूरी दोपहर सोई थी आज थकान के मारे, पूरा घर पोछा लगाया है 2 बारी में मैंने। इतनी धूल रेत की तरह यहाँ से निकल रही थी ना, पहले खाली पानी से पोछा लगाया, फिर जाके सारा डिटॉल डिटॉल जो भी होता ना वो सारा कुछ डाल के फिर से वो 2nd बारी में इन्होंने लगा दिया, तो मेरी हालत आज बहुत टाइट हो गई थी। बोलो मैं देख रहा हूँ ना मैंने कैसे कैसे दिख रही हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सी अच्छी लगती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपसे बात करने के लिए। इसी के लिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती आजकल, क्योंकि मैं बहुत थकी रहती हूँ हमेशा। चलो चेंज करते हैं, फिर बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ, ये बहुत पहले की है, जब सावित्री था ना तब से है, सावित्री के टाइम से मैंने रखा हुआ था इसको। आ गया था सारे कपड़े, जो कि कुछ कुछ साड़ियाँ वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोगों को, बड़े सारी चीज़ें होती है ना, तो उन सबको कुछ यहाँ पे 3 साड़ी है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं उड़ीसा में होती हूँ ना तो ये ऐसा होता है कि घर से भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर यहाँ पे क्या होता है कि घर से पैसा भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई आके इतना सारा सामान नहीं दे सकते ना सावित्री के टाइम पे। तो यहाँ पे साड़ीज़ वगैरह मैंने, यहाँ पे ये 3 साड़ी मैंने ली है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज़ हैं, एंड कलर बड़े अलग अलग है। एक साड़ी मैंने रेड कलर का लिया है, बाकी सारे साड़ीज़ के कलर ऐसे मैंने कभी नहीं लिया था। एक फ्रॉक लिया, फ्रॉक नहीं एक गाउन लिया है कॉटन का, बट मैं उसको अमेजोन से है ये सारे, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये जो पहला ड्रेस है ना, ये मैं पहन के यहाँ पे कहीं पे दिखाती हूँ आपको, मतलब स्क्रीनशॉट में लगाती हूँ। पता है ये ड्रेस मैंने पहली बार तो सोचा था कि ये शायद थोड़ा सा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा इतना लंबा नहीं होगा, नी लेंथ तक आएगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे आएगा मैंने देखा था। बट मे बी वो मॉडल की वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा होंगी उनकी, मेरी उतनी नहीं होगी आई थिंक, ड्रेस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। पर ये एंकल लेंथ तक आती है, बट ठीक है मेरे को ऐसे ही चाहिए अभी, तो ये एंकल लेंथ है। एंड ये मैंने मंगवाया है, ये मैंने एल साइज़ का लिया है, तो आप लोग एम साइज़ का ले सकते हो, मैंने लिया क्योंकि ये एक तो स्लैक जैसे स्ट्रेचेबल होता है ना वैसे ब्लाउजेस है, तो बहुत सारे साइजेस को ये हो जाएंगे, एम साइज़, एल साइज़, एक्सेल को भी होंगे, बहुत फिटिंग सा होगा ये, तो आप उनके लिए थोड़ा सा फिटिंग हुआ, मेरे लिए सही हो जाती है। ये कलर का मतलब मिक्स एंड मैच करके पहनने में अच्छा लगता है ना, तो उस हिसाब से मैंने एक येलो कलर का लिया था यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये एक है, ये रेड कलर का तो चाहिए ही होता है, तो इसी के लिए रेड कलर का कुछ ऐसे पैटर्न में है ये ब्लाउज, बहुत ही हल्का लाइट वेट है। एंड यहाँ पे इसकी पूरी, पता है जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती ग्रीन में ऑरेंज कलर में एम्ब्रॉयडरी हो गई, यहाँ पे कुंदन्स लगे हुए हैं, ये जो पूरे है ना ये सारे कुंदन्स है यहाँ पे, तो नीचे की तरफ जैसे छोटे छोटे मोती जैसे नहीं होते पर्ल, छोटे छोटे वैसे लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक तो यहाँ पे दे रहा है।
एंड यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा डबल लेयर करके स्टिच हुआ है, तो आपको फॉल्स लगवाने की जरूरत नहीं है। ये एनिवर्सरी के दिन पहनूंगी इसी के लिए, अभी इसको नहीं पहन रही हूँ मैं, आपको बस ऐसे दिखा रही हूँ इसका, ठीक है। तो ये पूरा इसका आंचल कुछ इस तरीके से आएगा, पूरा यहाँ पे थ्रेड वर्क हुआ है इसका, बहुत अच्छा है। नेटेड साड़ी है, बहुत लाइट वेट है, ग्रीन एंड रेड कलर में ना इसका वर्क हुआ है एंड कुंदन लगा हुआ। ये पूरा साड़ी थ्रेड वर्क है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका, एंड इसके आपको अलग से ब्लाउज पीस भी मिल जाता है इतना। तो ये तो अभी नहीं सिलवा सकती मैं, बट मैं रेड कलर के साथ मैच करके पहनूंगी। तो इसमें ना आपको ब्लाउज भी मिल जाएगा अटैच होके ही इसके साथ, एंड अभी यहाँ पे मैं नहीं सिलवाऊंगी, जब उड़ीसा पता नहीं कब जाऊंगी, जब जाऊंगी तभी मैं इसको सिलवाऊंगी। यहाँ पे स्टिचेस चार्जेस बहुत होते, स्टिचिंग चार्जेस, मैंने दो ब्लाउज सिलवाए थे 2200 देखे उसका, वो भी बहुत ही इमरजेंसी था, मैं जा रही थी मेरी मासी की बेटे के कोई फंक्शन था ना, थ्रेड सेरेमनी जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए मेरे को साड़ीज थे मेरे पास, ब्लाउजेस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था मैं सिलवाऊँ, तो मैंने यहाँ पे सिलवाने के लिए दिया था। दो मैंने डिज़ाइनर से सिलवाया था बहुत अच्छे से, तो इसी के लिए मैं भी, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था, बट सिलवा के उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था, बहुत अच्छे से होगा ना, पिंक एंड ऑरेंज में, ऐसा नहीं है ये पूरा रेड है, रेड के साथ यहाँ पे ये गोल्डन एंड ग्रीन मिक्स यहाँ पे इसका बॉर्डर है, बहुत थोड़ा सा बड़ा सा बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर का फैशन भी होता है ना, बट अच्छा भी लगता है अगर ऐसे सिल्क साड़ी में, मेरे को ऐसे लंबा चौड़ा बॉर्डर वाले अच्छे लगते हैं पहनने के लिए, एंड मैं पहनती हूँ। तो इसको एक्चुअली मैंने मुझे पहनना था इसको सावित्री वाले दिन, बट ये थोड़ा सा लेट मुझे रिसीव हुआ, इसी के लिए मैं पहन नहीं पाई थी, अदरवाइज मेरा प्लान था मैं इसको पहनूंगी। तो इसका आंचल यहाँ पे, ये पूरा आपको फोटो वीडियो में दिखा दूंगी, यहाँ पे इसका आंचल में भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखना। ये साड़ी एक है यहाँ पे, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे बोलते हैं ऑर्गेन्जा साड़ी, यहाँ पे येलो कलर में है, मेरे को लगा था ये पहनने को नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जैसे हो जाएगा पहन नहीं पाऊंगी, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रिटी है, जितना मैंने इमेजिन भी नहीं करा था, येलो कलर में है ये, एंड उसके साथ साथ लाइट सॉफ्ट सा येलो कलर में यहाँ पे ये जो थ्रेड में पूरा वर्क है, छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, एक तो बहुत हल्का है ये साड़ी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत हल्का है एंड पहनने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, नेट वाली है, जैसे नेट नहीं बोलते इसको, ये साड़ी का मॉडल ही ऐसी है, एंड यहाँ पे इसका आंचल पूरा इस तरीके से आता है, इसको मैं पहन के दिखाती हूँ। मोस्टली मैं इसके लिए वो येलो वाला ब्लाउज दिया है, तो इसमें आपको ब्लाउज पीस भी अलग से मिल जाती है स्टिच करवाने के लिए, तो ये तो मैं ज़रूर स्टिच करवाऊंगी, कुछ अच्छा सा फैंसी वाले में स्टिच करवाऊंगी, थोड़ा सा मॉडल अच्छा डिज़ाइन देख के इसका, थोड़ा सा देख के रिसर्च करके, मेरे को अच्छा लगता है वैसे ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा एक्स्ट्रा लगवा के मैं करूँगी बाद में, तो अभी तो इसका नहीं होगा, तो इसी के लिए फिलहाल मैं इसको येलो कलर के ब्लाउज के साथ पहन के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड इन सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अमेजोन से ही है, तो मैं आपको दे देती हूँ। तो चलो कुछ नहीं, सावित्री वाला नहीं हुआ तो अभी मैं पहन के आपको दिखाती हूँ इसको, एंड कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके, एंड इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी मुझे बताना, ठीक है। ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करूंगी जैसे भी जब भी होता है, एंड यही देखा ना लंच में मैंने आज बनाया था आलू की सब्जी, एंड फेस कितने पोटैटो की तरह लग रहा है इतने पास से, तो आलू की सब्जी मैंने बनाई हुई थी, ब्रेकफास्ट में हमने खाया था ब्रेड एंड मैंने खाया था एक बनाना, हाँ ब्रेड मतलब सैंडविच करके खाया हुआ था बनाना, एंड उसके साथ बस दूध, बस इतने ही था। इसी के लिए मैं आपके साथ कुछ आजकल शेयर कर ही नहीं पाती हूँ कि कोई रेसिपी बनाओ तभी तो व्लॉग बनाओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोना आपके व्लॉग से डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अभी हमको अच्छा नहीं लग रहा है देखने में भी, बट इट्स ओके मैं बहुत ही पॉजिटिवली ले रही हूँ आप सबके कमेंट को, आप सबको अच्छा लगेगा आई नो, जब भी मैं रेगुलर व्लॉग्स डालना फिर से स्टार्ट करूँगी, बट अभी ऐसे ही आएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। एंड आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो, दो अभी बड़े सारे जगह पे लॉकडाउन सारा खुल गया है, बट प्लीज़ बी केयरफुल ना, पता नहीं बहुत सारे लोग बोल रहे कि थर्ड वेव आ जाएगा ये वो, अभी इतना डर लग रहा है कि अभी माही का सेप्टेम्बर को बर्थडे भी है, आई डोंट नो, पता नहीं कोई बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत मतलब क्या यार फैमिली ही आने वाली है हमारी,
ऐसे चांसेस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे चांसेस है कि हमारी फैमिली आ सकती है हम लोगों की, एंड या तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली मेरे इन-लॉज का भी आना था इस वक्त तो थोड़े टाइम पहले, बट ये जो थर्ड वेव के आने के इन सब में ही ना वो सारे लोग फंसे हुए हैं कि आए ना आए इसी बात की वजह से। एंड एक और चीज़ ये भी है कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है नेक्स्ट मंथ को, 7 साल, यार पता ही नहीं चला यार कि इतना टाइम कैसे चला गया, मतलब कहाँ से वक्त, मतलब बोलते ना कितनी जल्दी 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 फिर से वही 7 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। माही का जुलाई में 5 ईयर्स कंप्लीट होगा उसका बर्थडे, मतलब इतनी जल्दी जल्दी इतनी टाइम चला गया, स्पेशली ये 2 साल इतनी जल्दी जल्दी कैसे चला गया पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट होने वाली है। देखो माही का बर्थडे आके हमने लास्ट ईयर सेलिब्रेट करा हुआ था, इस ईयर हो गया है, वो 1 साल होने को है, तो पता नहीं यार ना कैसे इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के टाइम ही चला जा रहा है कैसे ऐसा लग रहा है। फिर चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, जितना डांटना है जितना गुस्सा करना है मेरे ऊपर कर लो कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ ये वो, बट मैं कुछ नहीं कर सकती अभी। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, होपफुली कल ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी आने की। तो फिर अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ बहुत सारा प्रेयर करना, दुआ करना मेरे लिए, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख लें प्यार से, किसने बोला था आपके कमेंट्स भी कम हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं तो फिर प्यार से लिखना बहुत सारी चीज़ें, लाइक करना अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।